नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों इंडेक्स की एनालिसिस करेंगे। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। यहां पर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं। इंट्राडे में कल हमको किस तरह से ट्रेड करना है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। सो देखिए, आप अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फाइनली यहां पर देखिए, आज हमको जो कैंडल मिली है वो एक डोजी कैंडल मिली है। तो देखिए यहां पर क्लियर कट हमारे पास, देखिए कल एक हैमर कैंडल बनी हुई थी और यहां से हमारा एक व्यू था, अगर ऊपर की तरफ हम निकलेंगे तो हम काफी तेज ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहां पर कल आपको कुछ लेवल बताए थे। चलिए हम यहां पर 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और 15 मिनट के चार्ट में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर फाइनली देखिए, मैं आपको इंट्राडे के बारे में बताऊंगा किस तरह से हमारे ट्रेड एक्टिव हुए या फिर क्या हुआ, सारी चीजों के बारे में हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखिए, मैंने कल आपको क्या बताया था कि हमारे पास यहां पर एक ट्रेंड लाइन है और ये फाइनली ट्रेंड लाइन जो है कल जो है थोड़ी ब्रेक भी हो चुकी थी और ब्रेक होने के बाद देखिए अपने सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रही थी। तो यहां पर देखिए, अगर जो हम 15 मिनट की कैंडल यहां पर देखें तो पहली 15 मिनट की कैंडल है, चलिए मैं 5 मिनट की कैंडल में चल के आपको समझाता हूं, काफी अच्छे से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए यहां पर देखिए, अब मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये जो लेवल है 31,300 का, ये सबसे अभी जो है हमारे लिए सपोर्ट लेवल के लिए काम करेगा। तो फाइनली देखिए, ये जो कैंडल बनी हुई है 5 मिनट की, तो ये 5 मिनट की कैंडल को अगर 1 मिनट के कैंडल में जाकर देखेंगे तो इस 1 मिनट की कैंडल में ही काफी तेज गिरावट आ गई थी और यहां पर हमको कोई सेल करने का मौका ही नहीं मिला और फाइनली देखिए हमने यहां पर बिल्कुल सेल नहीं किया। तो इसके बाद हमारे पास ट्रेड कौन सा मिला, तो हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहां पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, देखिए फाइनली अगर मैं बात करूं तो ये एक हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमने इसी लाइन को पकड़ के आगे की तरफ हमने देखिए ड्रॉ कर दिया तो हमको यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल मिल गया। तो फाइनली अगर यहां पर ध्यान से देखें तो इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट काफी देर तक जूझती रही या फिर स्ट्रगल करती रही। देखिए यहां पर ऐसा भी चांस यहां लग रहा था कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो हाई लगा हुआ कल का हाई जो लगा था 31,500 का उस लेवल को टेस्ट कर सकता है। फाइनली देखिए ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट ना होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया और जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो गया, अगर हम उसको इस तरह से ध्यान से देखें, अगर हम ये देखिए, अब हमने जो है क्लोजिंग टू क्लोजिंग हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। अब ये ट्रेंड लाइन को अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही इस सपोर्ट का और इस ट्रेंड लाइन का, देखिए हमारे पास यहां पर दो सपोर्ट थे, अगर हम ध्यान से देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए यहां पर सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, दूसरा जो हमने यहां पर 31,300 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था ये भी हमारा जो है सपोर्ट था। तो फाइनली देखिए जब यहां पर डबल कंफर्मेशन हो गई, ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहां पर हमको जो है सेलिंग करने का मौका मिला। इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमको अगला मौका हमको कहां पर मिला। तो चलिए मैं यहां पर एक सपोर्ट मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखिए ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास सपोर्ट था और फाइनली देखिए जो मार्केट गिरी है वो कहां तक गिरी है, वो सेम देखिए इसी सपोर्ट के आसपास 31,150 के आसपास यहां से गिरी और फाइनली यहां से बाउंस बैक हो गई। बाउंस बैक होने के बाद देखिए सबसे हमको यहां पर एंट्री कहां मिली, इस जगह पे हमको एंट्री मिली, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस के बाद देखिए कितने ऊपर तक यहां पर कंटिन्यू गया। अब देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें मैं आपसे डिलीट करता हूं और मैं ये बताऊंगा कि यहां देखिए जैसे आप यहां पर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि चलिए यहां पर रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, ये जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि यहां पर चलिए रेजिस्टेंस लेवल था, यहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ गिर रही थी बट ये जो ऊपर की तरफ से जो बाद में जो गिरावट आई है जो सेकंड सेशन में एंड टाइम में 2 बजे के बाद या फिर हम कह सकते हैं 2 बजे के बाद जो गिरावट आई है वो गिरावट क्यों आई है तो उसके बारे में मैं आपको देखिए एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन देखिए कंटिन्यू इसी ट्रेंड लाइन का हर्डल यहां पर कंटिन्यू चल रहा था और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है बार बार जाकर यहां से रिवर्स हो रही थी। तो देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को मैं ये सारी चीजें मैं कंटिन्यू अपडेट करते रहता हूं, मैंने कॉल से कॉल ली बाय ली वो सारी चीजें बताता हूं, चार्ट भी कंटिन्यू मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था और मैंने आपको एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके मैंने बताई थी कि देखिए वो जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन देखिए एक हर्डल बना हुआ है और उसी के आसपास बार बार जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जो है जाकर वो ट्रेंड लाइन के आसपास बार बार रिवर्स हो रहे थे। एक निफ्टी में भी रेड कलर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और बैंक निफ्टी में भी सेम ट्रेंड लाइन बन रही थी। तो फाइनली देखिए ऊपर जाने के बाद यहां पर जो गिरावट हुई है काफी तेज हुई और यहां पर देखिए हमको एंट्री करने का मौका, देखिए अगर आपने ऊपर की एंट्री मिस की होगी तो देखिए यहां पर एंट्री करने का मौका यहां पर आपको मिला। देखिए यहां अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप लेवल को ड्रॉ करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो है आज आपने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए यहां पर जो मैं आपको बताऊं कि ये जो सेकंड सेशन था, सेकंड सेशन में यहां पर पैसे बनाना बहुत आसान था, बहुत इजीली यहां पर पैसे बना सकते थे। देखिए मैं बात करूं फर्स्ट सेशन की, फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, फर्स्ट सेशन में यहां पर मार्केट कंटिन्यू सस्टेन होती रही, समझ लीजिए कि साइडवेज में चली गई, ठीक है ना, तो यहां पर जो है पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था बट यहां पर अगर देखेंगे ये जो सेकंड सेशन हमारा 12 बजे का जो स्टार्ट होता है तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये 12:30 की है। तो फाइनली यहां पर देखिए इस सपोर्ट लेवल के आसपास आकर इसने कुछ सस्टेन किया, फाइनली यहां से ब्रेकआउट दिया।
पहला ट्रेड हमारा यहाँ पर एक्टिव हो गया। दूसरा ट्रेड अगर आप चाहते तो यहाँ से देखिए एक्टिव कर सकते थे। ये रेजिस्टेंस लेवल को मान लीजिए, यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल है अपना, तो इसके आसपास आप कहीं सेलिंग कर सकते थे। दो ट्रेड यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई, उसके बाद आप यहाँ से जो है सेलिंग कर सकते, तीन ट्रेड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम 15 मिनट के चार्ट में, और 15 मिनट के चार्ट में हम चर्चा करेंगे कि हम जो है कल के लिए हम किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए। तो चलिए अब फाइनली देखिए, अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, अब ये जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो फाइनली देखिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब मैं आपको लेवल यहाँ पर दिखा दूंगा। अब मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर देखिए, जब तक हम यहाँ पर बने हुए हैं हम बुलिश ही हैं, ठीक है। मे बी यहाँ पर कल सस्टेन होने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। अब देखिए मैं यहाँ आपको तीन सिनेरियो बता देता हूँ। यहाँ पर ब्रेक जो है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है। फ्लैट ओपनिंग में मे बी देखिए आपको क्या करना है, अगर इस ट्रेंड लाइन के कंटिन्यू सपोर्ट लेने के बाद यहीं पर कंटिन्यू इस तरह से मैं देखिए ड्रॉ करके भी आपको और दिखाऊं तो काफी अच्छा रहेगा। तो यहां से मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ जाए यहां से, फिर ऊपर नीचे की तरफ होने के बाद फाइनली अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करता है तो आपने यहां पर ट्रेड लेना है। कहां पर ट्रेड लेना है, इस लेवल के ब्रेकआउट के पास। देखिए मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके यहां पर समझा देता हूं, इसके आसपास देखिए आपको ट्रेड लेना है। टारगेट हमारा पहला टारगेट ये रहेगा जो पिछले डे का हाई यहां पर लगा हुआ है, 31,500 लेवल के आसपास। अब हम बात करेंगे अगर यहां पर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप डाउन ओपनिंग में हमको किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है और अभी जो है 31,250 के आसपास यहां पर मार्केट क्लोजिंग है, और यहां से 200-250 की गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग कहां तक होती है, 31,500 के आसपास तक। अगर इस लेवल पर आपको मिलता है तो ये हमारा क्लियर कट सेल जोन है। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को कि ये हमारा क्लियर कट सेल जोन है। 31,500 के आसपास जब भी आपको मार्केट मिले तो वहां पे आप कंटिन्यू सेल के लिए जाइए। वहां से मे भी चाहे 60 पॉइंट नीचे आए, चाहे 100 पॉइंट आए, चाहे 150 पॉइंट नीचे आए, बट वहां से मार्केट एक बार नीचे की तरफ जरूर आने वाली है। सो ये हमारा सेल लेवल है, सेल जोन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अब इसके बाद देखिए मैं क्या, अब तीसरी चीज समझ लीजिए कि गैप डाउन ओपनिंग में हमको किस तरह से ट्रेड करना है। अब यहां पर देखिए मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन कल ब्रेक होती है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, और गैप डाउन होने के बाद आपको इस लेवल के आसपास 31,000 के लेवल के आसपास आपको मिलता है तो ये हमारा एक बाइंग जोन रहेगा। यहां से हम मे बी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाए, चाहे 200 पॉइंट ऊपर जाए, बट यहां से ऊपर की तरफ जरूर जाएगी। दूसरी चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको मोस्टली एटीएम में ट्रेड करना है, ना कि आपको ओटीएम में ट्रेड करना है। एट दी मनी में आपको ट्रेड करना है। देखिए इसमें तीन तरह के सिनेरियो होते हैं, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। वो मैं किसी आपको आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि हमको किस लेवल पर ट्रेड करना चाहिए और किस लेवल को हमको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए ये हमारा सेलिंग जोन है, इसके आसपास आपको सेल करना है। ये हमारा बाइंग जोन है, इसके आसपास आपको बाय करना है। फ्लैट ओपन होता है तो यहां पर कंसोलिडेट होने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो बायर बनिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो सेलर बनिए। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सो इजी। अपने एनालिसिस को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, बिल्कुल आसान अपनी एनालिसिस को रखिए। जितनी आसान आपकी एनालिसिस होगी उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी में किस तरह से ट्रेड हुआ। तो फाइनली यहां पर देखिए मैंने आप लोगों को, चलिए वनडे के चार्ट में हम पहले चलेंगे और वनडे के चार्ट में पहले चर्चा करेंगे कि यहां पर कैंडल किस तरह की बनी हुई है। तो फाइनली अगर यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो कल जो कैंडल बनी थी ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी थी, और आज जो ये कैंडल बनी हुई है तो ये इसको हम या तो डोजी भी कह सकते हैं या तो ऊपर से एक शूटिंग स्टार भी कह सकते हैं। तो इस तरह की कैंडल देखिए ये अनडिसीजन कैंडल होती है। तो चलिए हम यहां पर चलते हैं 5 मिनट के चार्ट में, और 5 मिनट के चार्ट में जो है यहां पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि आज की जो मार्केट थी वो निफ्टी ज्यादा इजी थी कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो निफ्टी में आपको ट्रेड बहुत आसानी से मिले होंगे, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल था फर्स्ट सेशन। तो यहां पर देखिए, यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर जो मार्केट ओपन हुई है यहां पर भी एक तेज गिरावट हुई थी, तो बट फाइनली यहां पर ये एक रेजिस्टेंस था जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट लेवल बन गया था। अब ये सपोर्ट लेवल के आसपास देखिए यहां पर जो हैमर कैंडल बनी, यहां से हम क्लियर कट एक बाइंग के लिए जा सकते थे। दूसरी बार मार्केट जब अगेन सेम लेवल पर आई है तो यहां पर देखिए डबल बॉटम पैटर्न बना है। अब डबल बॉटम पैटर्न के बाद फिर आप अगेन जो है दोबारा यहां पर जा सकते थे ऊपर की तरफ। अगर मैं आपको दूसरी एक चीज यहां पर चीज में दिखाने की कोशिश करूंगा, 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं और मैं दिखाऊंगा कि यहां से बार बार जो है देखिए, अब यहां पर रेजिस्टेंस यहां पर है, ठीक है। देखिए मैं जो चीज आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टेंस जो है हमारा पहला जो है इसको ध्यान से देखिए यहां पर है, तो दूसरी बार यहां से मे भी यहां से रिवर्स होनी चाहिए, तो ऊपर से रिवर्स हो रही है, अब यहां से रिवर्स होनी चाहिए। दूसरा बार यहां पर रेजिस्टेंस अपना बन गया है तो इस लेवल के आसपास कहीं रिवर्स होना चाहिए, तो अभी यहां से रिवर्स हो रही है। तो लोगों को ये रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने
सर्च करने में दिक्कत आती है कि रेजिस्टेंस लेवल कहां पर है और ये आखिर यहां से गिरावट बार बार क्यों हो रही है जब भी इस लेवल पे जा रहा है। तो ये है इसका कारण, ये है ये चैनल जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो यही देखिए, ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी ड्रॉ करके दिया था कि जब जब आपको मार्केट इस निफ्टी इसके आसपास मिले तो आपको सेलिंग के लिए ही जाना है। देखिए जब यहां पर इस तरफ गई है तो यहां पर देखिए एक बड़ी कैंडल के रूप में नीचे आई है। अगेन जो है आज हमको यहां पर मिला है तो इसके बाद फिर हम काफी नीचे की तरफ आए हैं। फिर जब हमको लास्ट सेशन में हमको 2 बजे के आसपास जब यहां पर मिला है फिर हम अगेन नीचे की तरफ आए हैं। मीन्स यहां पर कहने का मतलब ये है कि यहां पर एक मार्केट जो है चैनल पैटर्न के रूप में काम कर रही थी। अगर मैं इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर दूं या फिर मैं इसको पीछे की तरफ ही, रुकिए मैं अभी इसको आपको प्रॉपर चैनल में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है हमारा प्रॉपर चैनल। तो इस तरह से आज जो है मार्केट चैनल में काम कर रही थी, ये हमारा प्रॉपर चैनल बन गया। तो ये चैनल देखिए जब भी नीचे की तरफ टेस्ट हुआ तो ऊपर की तरफ मार्केट गई है, और जब भी ऊपर की तरफ टेस्ट हुआ तो नीचे की तरफ मार्केट आई है। अब यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि आपको ट्रेड किस तरह से करना है कल के सेशन में, अब हम उसकी हम प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आप लोगों के सामने लगाया हुआ है, अब आपको बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर दिख रही होगी। अगर क्लियर कट पिक्चर नहीं दिख रही है तो मैं आपको यहां से मैं एक जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब मैंने ट्रेंड लाइन को कुछ इस तरह से कर दिया है। अब ये देखिए हमारा प्रॉपर चैनल बन चुका है, ठीक है। देखिए यहां पर जब भी टच हो रहा है तो ऊपर जा रहा है, ऊपर टच हो रहा है तो नीचे की तरफ आ रहा है। तो मींस ये अपर चैनल और लोअर चैनल इसको हम बोलते हैं। अब हमको देखिए हमको बाइंग कहां करना है, सेलिंग कहां करना है, आपको शायद यहां पर चार्ट देखकर काफी कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपका चार्ट खुद बोलता है, चार्ट आपका इस तरह से ड्रॉ होना चाहिए कि चार्ट खुद बोले, ना कि आप जो है वहां पर किसी भी तरह का ट्रेड लेकर ट्रैप हो, ठीक है। तो यहां पर चार्ट देखिए क्लियर कट बोल रहा है कि एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद देखिए ये पहले रेजिस्टेंस लेवल था, ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट बना, यहां सपोर्ट बना, बाउंस बैक हुआ, फिर सपोर्ट बना, बाउंस बैक हुआ, फिर सपोर्ट बना, बाउंस बैक हुआ। मीन्स कहने का मतलब यहां पर 1 2 3 4, तो 4 टाइम ये लेवल टेस्ट हो चुका है। मे बी कल ये लेवल ब्रेक हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। 13,950 का लेवल है ये, 13,950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो 13,950 के ऊपर जब भी है, ऊपर हम हैं तो बुलिश है, मे बी यहां पर क्या हो सकता है। देखिए मैं तीनों सिनेरियो आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तभी पैसे बनेंगे। अगर इग्नोर करके देखेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो पैसे बनाने मुश्किल है। देखिए चीजें मैं आपको सारी चीजें जो मैं खुद करता हूं वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहां पर खोल के रख देता हूं, जितने सिंपल तरीके से मैं समझाता हूं शायद मे बी शायद कोई ना समझाए इतने सिंपल तरीके से, क्योंकि अपना गुण जो है कोई दूसरा किसी को नहीं देना चाहता है। सो मैं यहां पर यह चाहता हूं कि देखिए आप भी प्रॉफिट बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट आप बनाएंगे वो मेरी जेब से लेकर नहीं जाएंगे। सो यहां पर चीजें समझिए, बहुत अच्छे पैसे यहां पर कल की मार्केट में बनने वाले हैं। तो यहां पर अगर देखिए यहां पर मे बी कोई डोजी कैंडल बनती है, कोई हैमर कैंडल बनती है, तो यहां से बाउंस बैक पॉसिबल है, यहां से बाउंस बैक हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मार्केट यहां से देखिए इस तरह से बाउंस बैक कर सकती है, ठीक है। ये तो हमारा जो है फ्लैट ओपन होने के सिनेरियो में है, ठीक है। अब दूसरा देखिएगा कि अगर हम बात करें गैप अप ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग की, तो हमको इस तरह की मार्केट में कैसे काम करना है, तो मैं वो चीज आपको समझा देता हूँ। पहले पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होती है, और गैप अप ओपन होने के बाद हमको इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन जो अपर चैनल है इसके आसपास कहीं मिलती है, तो हमको वहां से क्लियर कट सेलिंग के लिए जाना है। ध्यान रखिएगा इस लेवल के आसपास जैसे निकलती है हमको सेलिंग के लिए जाना है। हाँ अगर ये चैनल का ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है हमको सेल के लिए नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। कल को आप ये मत बोलिएगा नहीं सर आपने सेल के लिए बोला था इसलिए हम सेल के लिए गए। तो ये चीज जो है काफी बार देखने को मिल जाती है। मैं जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए इस लेवल को टेस्ट किया, अपर चैनल को टेस्ट किया, और ये टेस्ट करने के बाद ऊपर से सेलर एक्टिव हो गए और यहां पर कोई इस तरह कैंडल बन गई, ये देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है 15 मिनट के चार्ट में 2 बजे की कैंडल, इस तरह कोई कैंडल बन गई, कोई डोजी कैंडल बन गई, तो फिर वहां पर आप सेल के लिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर एक तेजी फ्लो में यहां पर इस चैनल को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग जाती है, तो आपको बाइंग के लिए देखना है रेदर देन सेलिंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये तो था गैप अप ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग, ये बातें हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग में देखिए क्या हो रहा है, गैप डाउन ओपनिंग में कंटिन्यू इस चैनल का जो लोअर पॉइंट है यहां पे आने के बाद बार बार बाउंस बैक हो रहा है। तो यहां से बाउंस बैक हुआ है, यहां से बाउंस बैक हुआ है, मान लीजिए कल को ये ब्रेक होकर इस देखिए अब इस लोअर चैनल के आसपास आता है, तो फिर यहां से इस तरह से बाउंस बैक हो सकता है। देखिए चीजों को ध्यान से देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूं आप लोगों को कि बाउंस बैक कहां हो सकता है। ये जो लेवल है 13,950 का लेवल, 13,950 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो मे बी देखिए मार्केट जो है इस चैनल के लोअर पॉइंट पे, लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास 13,900-910 के आसपास आने के बाद एक बार दोबारा यहां से रिवर्स कर सकती है। तो मैंने आपको तीनों सिनेरियो बता दिए हैं, गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, और फ्लैट ओपनिंग में क्या करना है। चलिए अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाइयां। देखिए ये जो पुराना साल था आप लोगों ने जैसे
जैसे भी ट्रेडिंग की, जो भी ट्रेडिंग की, या इवन मैंने भी जो भी ट्रेडिंग की, जैसे भी ट्रेडिंग की, हम लोग कोशिश करेंगे इस नए साल में हम उस अपनी गलतियों को सुधारें और आने वाला साल आप सभी लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल हो, बहुत अच्छा हो। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय।